शायद हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पीईटी परीक्षा पर सीएम योगी पर साधा निशाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्करना और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण निचले इलाकों के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बाढ़ग्रस्त कैंपियरगंज और सहजनवा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसी को लेकर अब पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उनको निशाने पर लिया है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा, यूपी बाढ़ की चपेट में है और 37 लाख से अधिक छात्र पीईटी की परीक्षा देने निकले हैं। प्रश्न पत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचना है। छात्रों की निरंतर मांग के बाद भी ना परीक्षा टाली गई, ना यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। वरुण गांधी ने ट्वीट के अंत में बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसा। उन्होंने लिखा, शायद हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी पीईटी परीक्षा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जा रही परीक्षा में करीब 37 लाख उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। परीक्षा का आयोजन साल 2022 से 2023 में यूपी सरकार की ओर से जारी की जाने वाली समूह भर्तियों के लिए इस परीक्षा में पात्रता हासिल करना आवश्यक होता है। आयोग की ओर से पीईटी परीक्षा का आयोजन राज्य भर में निर्धारित केंद्रों पर किया जाएगा। यूपी पीईटी परीक्षा देने वाले छात्रों को बाढ़ के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों हुई लगातार बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दिन ब दिन हालत बदतर होती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को खाने पीने की किल्लत भी हो रही है। यूपी के करीब 18 जिलों में 1370 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 1.3 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से 3 तहसील इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो आपका क्या विचार है इस पर हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को। धन्यवाद।